जन जन को दो संदेश, स्वच्छ सुंदर हो अपना देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और रेलवे भी बढ़ चढ़ कर उसका हिस्सा बन रहा है। हमारे साथ डीआरएम एनसीआर मौजूद है, हिमांशु बडोनी जी। पिछले 16 दिनों में हम देख रहे हैं कि लगातार स्वच्छ भारत मिशन के तहत आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पिछले 16 दिनों में जो कार्य किया गया उसके बारे में बताएं। ये स्वच्छता पखवाड़ा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में मनाया जा रहा है और इसका जो मेन इवेंट होना है अब कल 1 अक्टूबर को होगा और उसके बाद 2 अक्टूबर को समापन होगा। इसमें हर दिन के लिए एक स्पेशल थीम था, उस स्पेशल थीम पर उस दिन कार्य किया गया। इसमें बेसिक कंसेप्ट ये था कि हम केवल बाहर बाहर से स्वच्छता को न देखें, स्वच्छता को बहुत अंदर तक जाकर देखें कि हमारे सिस्टम में क्या खामियां हैं, जो चीज़ें हम नॉर्मली नहीं देख रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर भी जोर दिया गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हम लोगों का जो खाना है वो सर्व हो रहा है, कोई बाहर से बना के लेके आ रहा है, कोई बेस किचन से बना के लेके आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके तक की जांच की गई कि भाई जो ये खाना बन के आ रहा है बाहर की किस किचन से बन के आ रहा है, उस किचन को भी देखा गया, उसमें कुछ खामियाँ पाई गई, उन सबको भी सुधार करने का प्रयत्न किया गया। तो इससे और सबसे बड़ी जो चीज़ इसमें देखी कि जनता की भागीदारी, क्योंकि जो हम लोगों के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे पैसेंजर्स हैं और अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, उन लोगों की फीडबैक भी हम लोगों ने, अधिकारियों ने भी स्वयं ली और हमारे कर्मचारियों ने भी ली, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छे सुझाव भी मिले और हम लोगों को का उत्साहवर्धन भी हुआ। सर, हम देखते हैं कि कॉन्कोर्स एरिया पहले से काफ़ी बेहतर हो रहा है, लेकिन ट्रेन के भीतर की बात की जाए तो वॉशरूम एरिया हो गया या जो कंबल या चादर चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं उसमें अभी भी शिकायत आती है। हम ट्विटर पर भी देखते हैं और आपकी पैंट्री कार की बात कर रहे हैं, किचन के भीतर किस तरह से आप मॉनिटर कर रहे हैं। ये जो दो चीज़ें हैं, आपने दो प्रश्न रेज किए हैं। एक तो बेसिकली ट्रेन के भीतर की जो गंदगी है, उसके लिए मैं एक और चीज़ आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि कल ही एक और हमारा इनिशिएटिव लॉन्च होने वाला है भारतीय रेल का, जिसे माननीय रेल मंत्री जी स्वयं लॉन्च करेंगे कल दिल्ली कैंट स्टेशन से, वो है 14 मिनट मिरेकल। उसमें जो ट्रेन है, जैसे वंदे भारत ट्रेन है, उसको जो ओरिजिन से डेस्टिनेशन पर जाती है तो डेस्टिनेशन से जब वो लौटती है तो प्लेटफॉर्म से रिटर्न होती है, तो वहाँ पर हमें बहुत अधिक समय नहीं मिलता है ट्रेन की सघन क्लीनिंग के लिए। तो वहाँ पर 14 मिनट के अंदर एक वेल ट्रेन्ड और वेल ड्रिल्ड टीम होगी जो कि उसकी 14 मिनट के अंदर पूरी पूरी सफाई करेगी, तो इसका भी कल लॉन्च होने वाला है। इसके अतिरिक्त हम लोगों के यहाँ स्कीम्स हैं क्लीन ट्रेन स्टेशंस की, और इन सब के ऊपर हम लोग अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं और बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि हमारी ट्रेन्स की जो क्लीनिनेस की टीम है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें, एजाइल रहें, और उसी के अतिरिक्त जो हमें रेल मदद या अन्य सोर्सेज से भी जो कंप्लेंट मिलती है उनके ऊपर त्वरित कार्यवाही की जाती है। सर, फुटफॉल की बात की जाए तो ऐसा बिजी स्टेशन हम कहेंगे, कई गाड़ियां गुजरती हैं, लाखों फुटफॉल होता है यात्रियों का, ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या वॉशरूम एरिया की, जो मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था, जल को बचाने के लिए क्या कोई सैनिटाइजर किट का इस्तेमाल रेलवे पर विचार कर सकता है? जी, आपका सुझाव बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जल का बचाव से जल के संरक्षण के लिए रेलवे ऑलरेडी बाकी सब इनिशिएटिव्स लाइक कैच द रेन, व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स, और जो हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट डिसेंट्रलाइज्ड वे में जो हमको लगाने हैं और उनके जो पानी का जो निकलेगा उसका रीयूज़ करना है, इन सब इनिशिएटिव्स के ऊपर बहुत जोर दे रहा है। और साथ ही जो सैनिटाइजेशन में जो हम लोगों की पानी की वेस्टेज है उसको भी मिनिमाइज़ करने के लिए जो हम लोगों को कार्य कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोगों का काफ़ी विचार चल रहा है, और ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। आखिरी सवाल, दिव्य और भव्य कुंभ भी आने वाला है प्रयागराज में, उसकी तैयारियां हम देख रहे हैं, सिटी साइड हो या सिविल लाइन साइड हो, काफ़ी तेज़ी से चल रही है, हम कब तक उम्मीद करें कि बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए, जो हमारा जो सिविल लाइन साइड है उसको लक्ष्य है कि हम लोग सिविल लाइन साइड का पूरा स्टेशन डेवलपमेंट का करें कुंभ से पहले कर लेंगे, और पूरा का पूरा आपने देखा होगा जो एरिया है हमारे टंकी वाले पुल के और निरंजन पुल के बीच का, उसका पूरा गेस्टाल्ट आप देख रहे होंगे धीरे धीरे करके बदल रहा है। पुराने जो स्ट्रक्चर्स थे जो जर्जर हालत में थे उनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, हेरिटेज को हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एक क्लीन और ग्रीन पूरा का पूरा एरिया डेवलप कर रहे हैं, जो कि हम लोगों को पूरी आशा नहीं विश्वास भी है कि हम लोग अक्टूबर नवंबर 2024 तक पूरा कर लेंगे। तो सुना आपने, महात्मा गांधी ने जिस मिशन की शुरुआत की थी, स्वच्छ भारत का सपना देखा था, उसे पूरा करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के रेल मंत्रालय पूरी तरह से जुटा है, और 2 अक्टूबर को गांधी जी को स्वच्छांजलि हम कहेंगे दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद खान के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।